नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा। पुराण कथाओं के अनुसार भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मथुरा में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि कंस ने अपने पिता उग्रसेन से राजगद्दी छीन कर जेल में बंद कर दिया, जिसके बाद वह खुद मथुरा की राजगद्दी पर बैठ गया। कंस की एक बहन थी जिनका नाम देवकी था। वह देवकी से बहुत स्नेह करता था। कंस ने देवकी का विवाह वासुदेव से कराया, लेकिन देवकी की विदाई के वक्त आकाशवाणी हुई कि उसका आठवां पुत्र कंस का वध करेगा। आकाशवाणी सुनकर कंस डर गया, जिसके बाद उसने देवकी और वासुदेव दोनों को कारागार में बंद कर दिया। कहते हैं कि कंस ने देवकी और वासुदेव की 7 संतान को मार दिया, लेकिन जब देवकी की 8वीं संतान का जन्म होने वाला था, तब आकाश में बिजली कड़क रही थी। मान्यता अनुसार रात्रि 12 बजे जेल के सारे ताले खुद ही टूट गए और वहाँ की निगरानी कर रहे सभी सैनिकों को गहरी नींद आ गई, वो सो गए। कहा जाता है कि उस समय भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि वे देवकी की कोख से जन्म लेंगे। इस कर्म में आगे उन्होंने कहा कि वे उनके कृष्ण रूपी अवतार को गोकुल में नंद बाबा के पास छोड़ आए और उनके घर जन्मी कन्या को मथुरा लाकर कंस को सौंप दिया, जिसके बाद वासुदेव ने भगवान के कहे अनुसार किया। वह कन्या को नंद बाबा के पास छोड़ आए और उनकी कन्या को कंस को सौंप दिया। नंद और यशोदा ने श्री कृष्ण को पाला और श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।